बहुत अच्छा फिल्म लगा और पारिवारिक फिल्म है और जो कल्लू का एक्शन है अच्छा लगा। कल्लू का एक्शन हमको अच्छा लगा, जो साइड हीरो है उसका तो पहला प्लेट में कुछ समझ नहीं आया, दूसरा प्लेट में बहुत अच्छा लगा। पारिवारिक फिल्म है और आजकल के जो औरत लोग होती है कोई कोई मतलब अपने पति के छोड़ के चली जाती है दूसरे के पास में, तो परिवार साथ में कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसी के बारे में ये फिल्म बना है। और हम यही बोलेंगे सबसे कि अपने परिवार के साथ में आओ और फिल्म देखो, बहुत अच्छा फिल्म है, मस्त फिल्म है। गाना तो हमको बहुत अच्छा लगा और जो कल्लू का ये गाना है बक्सर बाजार में जब जब साइकिलिया से चले लूँ तो कल्लू के गाना मोबाइल में बजा लूँ, ये गाना हमको बहुत अच्छा लगा। गाना भी अच्छा है और साइड हीरो का जो रोल है थोड़ा कम अच्छा लगा, उसके बाद लास्ट में उसका भी रोल अच्छा है। फिल्म मस्त, एकदम मस्त फिल्म है, बहुत पाँच में पाँच नंबर देंगे, एकदम सुपर फिल्म है। आए सब लोग आए अपने परिवार के साथ में फिल्म देखें, परिवार की फिल्म। पिक्चर भाई अच्छी लगी है, पहला प्लेट कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा प्लेट में अच्छा लगा थोड़ा, और जो साइड हीरो है वही अच्छा नहीं था, और दूसरा लास्ट में अच्छा सीन है, फिर फिल्म अच्छी है, चला गया। डायलॉग सब अच्छे हैं, मस्त है, फाइट भी अच्छी है, उतनी फाइट नहीं है, लास्ट में खाली फाइट है बस वही। कितना नंबर आते पाँच लोगों में, कहा तीन दूंगा मैं। दो नंबर क्यों काट रहे हैं? क्योंकि जो साइड हीरो है उतना खास नहीं है पिक्चर है, पहला मूवी जो है ना बहुत कम मतलब ख़त्म हो गया, तीन घंटे का पिक्चर होती है दो घंटे में ख़त्म हो गया, छोटा पिक्चर है, उस समझ में नहीं आया पिक्चर, बाकी लास्ट में थोड़ा अच्छा लगा भाई, इसके लिए पिक्चर अच्छी है, तीन में तीन ही दूंगा मैं। अरे वो स्वर फिल्म दे देख रहा है अलवानी ना ना हमनी के कोई हम तो ऐसे ही दे देख रहा है अलवानी कौन अच्छा लगा? ये निरहुआ अच्छा लगेगा, फिर पवन सिंह अच्छा लगेगा, ओकर बाद और कोनो हीरो के नाम ना बार ध्यान में ना बा, नहीं तो हम बता दे। हाँ ना भोजपुरी के गाना ना रह लगा नहीं याद। अच्छा, अभी अभी परसों ही मैंने देखा है, ये देख ली हन। हाँ हाँ ये काल काल ये काल बोल रहा ये परसों। हाँ दीवान दीवान अपन देख लिया। अच्छी प्रतिक्रिया तो उसे नहीं मिली थी। अच्छा इस तरफ भी देखो, रिलीज हुई है स्वर्ग। जी हाँ, सात कुमार साहब की स्वर्ग रिलीज हुई है मुंबई में। ऑडियंस कहती है कि फिल्म बहुत अच्छी नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रिया मुंबई में मिली, जो फैंस थे कल्लू के उन्हें तो फैंस का मतलब होता है फैंस, उन्हें हर चीज अच्छी लगती है, वो उसकी तारीफें करते हैं। लेकिन जो कॉमन ऑडियंस थी, जो सामान्य दर्शक थे, उनकी पहली बात में ये कहूँ बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, और जो थी भी उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगी, किसी ने कहा हाँ चल सकती है, देखी जा सकती है, किसी ने कहा कि फिल्म वो देखने आए थे क्योंकि कल्लू के फैन है, तो पांच में से पांच स्टार भी मिले और दूसरी तरफ मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिली। ये हालत रही मुंबई में स्वर्ग का, ये कैसा हाल? सर सही बात है कि सात कुमार साहब के जो निर्देशक हैं फिल्म के, उनके देहांत के बाद ये रिलीज हुई है फिल्म, और सात कुमार साहब जैसा हम सब जानते हैं कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, आत्महत्या कर ली थी, और उनके बाद वो उनकी फिल्म है, तो एक ट्रिब्यूट के तौर पे भी इस फिल्म को देखा जा सकता है। और ऑडियंस को भी ये बात समझनी चाहिए कि सात कुमार साहब की ये आखिरी फिल्म थी और नवाब साहब को एक कम से कम ट्रिब्यूट तो दिया जा सकता है, श्रद्धांजलि तो दी जा सकती है कम से कम एक बार फिल्म को देखकर। मुझे लगता है कि कल्लू के एक्शन सीन्स और आदित्य मोहन साहब हैं इसमें और निधि झा के आइटम का तड़का है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर, प्रिया शर्मा जी हैं, सारी फिल्में मिलाकर मुझे लगता है कि मेरे रिव्यू में तीन स्टार्स स्वर्ग को मिलने चाहिए। मैंने रिव्यूज़ तो देखे हैं।